नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बदनसीब ही होगा जो इसे नज़रअंदाज करेगा। पूरे 10 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो में हम जो बात बताने वाले हैं दोस्तों, उन्हें भूल कर भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह आपके कर्मों का फल है जो कि इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो में हम जो जानकारी देने वाले हैं, अगर आप इन्हें सुन लेंगे तो दोस्तों 10 करोड़ों का लॉटरी आपके हाथों में होगी, जिससे दोस्तों आप सभी का जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। जी दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। कि दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश मंत्राल में जब भी आपको इतने बड़े रकम, इतने बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है, तो दोस्तों ऐसे में आपको भी अपने जीवनकाल में 4 बड़ी विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्यों दोस्तों, यही 4 बातें हैं जो कि आपको आपके जीवनकाल में आगे नहीं बल्कि पीछे लेकर जा रही है, और इन्हीं के चलते आपके जीवनकाल में लगातार परेशानियाँ चल रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो बात बताने वाले हैं दोस्तों, आप उन्हें बिल्कुल ही ध्यान सुनिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भगवान शनिदेव की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त होगी और जीवन काल के सारे संकट आपके समाप्त हो जाएंगे। जय दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन काल में आपकी कुंडली में 3 बड़े ग्रहों का मिलनसार हो चुका है, जिनके कारण दोस्तों धनलक्ष्मी योग, गज केसरी योग और सर्वार्थ सिद्धि नाम के बड़े शुभ योग बनने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले समय में आपको धन कमाने के अनेक मौके मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, और यश में आपको बहुत ही ज़्यादा सफलताओं की प्राप्ति होगी, बहुत ही बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपके जीवन काल से सभी प्रकार की परेशानियाँ खत्म होने वाली है। जी दोस्तों, आपको बता दें यश में शुक्र गुरु और शनि की जो स्थिति बनने वाली है आपकी कुंडली के लिए, तो भगवान का वरदान ही साबित होगा। जी दोस्तों, और यह वरदान आपके पूरे जीवन को बदलने वाला साबित होगा। दोस्तों, एक प्रकार से कहें यह वरदान आपके कर्मों का ही फल है। दोस्तों, पिछले समय से आप जीवनकाल में लगातार दुख झेल रहे हैं, परेशानियां झेल रहे हैं और तमाम प्रकार की मुसीबतों को झेलते हुए अपने कार्यों पर डटकर खड़े रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कार्यों को बीच में ही छोड़ देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों आपके जीवनकाल में जैसी भी पद्धति हो, आपने अपना कर्तव्य को कभी नहीं भूला है। और दोस्तों, इन्हीं की वजह से भगवान शनिदेव जो कर्म के देवता है दोस्तों, वे आपके कर्मों को देखकर आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी यश में देने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपके जीवनकाल की सभी प्रकार की जो भी कष्ट हैं, जो पिछले समय आपके जीवनकाल में चल रही थी दोस्तों, वो कष्ट तो खत्म होंगे, साथ ही आपको लाभ के जो मौके मिलने वाले हैं दोस्तों, आपका पूरा जीवन संवर जाएगा। जी दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि धन से जुड़ी जो भी आर्थिक तंगियां आपके जीवनकाल में चल रही थी दोस्तों, यश में वो भी समाप्त होने वाली है, क्योंकि धन लक्ष्मी योग के कारण दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में लाभ के कई मौके खुलने वाले हैं। धन की आवक आपकी कुंडली में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, और इनके कारण आप सभी का जीवन काल में बहुत ही अच्छे अच्छे बदलाव होंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आपको अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करनी है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो बात बताने वाले हैं दोस्तों, बिल्कुल ही इन बातों को ध्यान सुनिएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग वीडियो को आधे देखकर छोड़ देते हैं और बाद में कमेंट करते हैं कि यह चीज़ हमें समझ में नहीं आया है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगर आपको अपने जीवन काल में इन लाभ को उठाना है तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ही पड़ेगा। जी दोस्तों, क्योंकि अगर मुकाम बड़े हैं तो दोस्तों मेहनत भी करनी पड़ेगी। जी दोस्तों, यह बात अति सत्य है, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें और इन्हें अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि अब कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे, कौन कौन सी खुशखबरी मिलेंगी, आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और पारिवारिक जीवन में कौन कौन से बड़े सुधार आने वाले हैं। दोस्तों, यश में आपको फोन अथवा ईमेल द्वारा कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी हिम्मत और आत्मविश्वास और अधिक बढ़ेंगे। घर में मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं भी बनेगी तथा प्रसन्नतापूर्ण माहौल रहने वाले हैं। कोई बेहतरीन उपलब्धि भी हासिल होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में आय के साथ साथ खर्चे की स्थिति भी रहेगी, जिसकी वजह से बचत भी नहीं हो पाएगी
अपने शुभ चिंतकों की सलाह पर अवश्य अमल करें। आपकी अपनी जिद की वजह से ही कोई दिक्कत खड़ी हो सकती है, इसकी आशंका बन रही है, तो दोस्तों यश में इनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि काम से संबंधित जो भी प्रगति की आपको अपेक्षा थी वह प्रगति मिलने भी शुरू होंगी। फिर भी मन की तैयारी न होने की वजह से आपके अंदर डर भी बन रहा है। आपको बता दें पैसे खो जाने की आशंका भी बन रही है, इसलिए दोस्तों यश में पैसे को संभाल कर रखने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपको अंदर बेहतरीन सकारात्मक ऊर्जा भी मिलेगा, ऊर्जा का आप यश में महसूस भी करेंगे। ज़्यादा लाभ की संभावना नहीं है, परंतु दोस्तों आप अपना बजट संतुलित रखने में सक्षम रहेंगे। विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित कोई रुकावट दूर होने से उन्हें राहत भी मिल सकती है। साथ ही दोस्तों यश में किसी बनते कार्य में परेशानी अथवा रुकावटें आने से कुछ समय आप जो है मायूसी में रह सकते हैं। दोस्तों यश में आपको भी अपने व्यवहार में कुछ बदलाव लाने की जरूरत होगी। गुस्से और फिर जल्दबाजी के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से परिस्थितियों को सुलझाने का प्रयास करें, दोस्तों ये आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि बीते समय में आपके स्वभाव का लोगों ने जो फायदा उठाया था उसके प्रति रोष बढ़ सकता है। दोस्तों इन घटनाओं के लिए कुछ हद तक आप भी जिम्मेदार हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता होगी। पुराने मित्र के साथ अचानक हुई मुलाकात भी आपको यहाँ से आनंद देने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपकी लोकप्रियता के साथ साथ संपर्क का दायरा भी यश में बढ़ने वाले हैं। आपका सिद्धांतवादी दृष्टिकोण आपकी छवि को बेहतर बनाकर रखेगा। रोजमर्रा की दिनचर्या से उबाऊ होकर यश में आप अपना अधिकतर समय स्वयं के रुचिपूर्ण कार्यों में व्यतीत करेंगे। यश में किसी भी प्रकार का लोन या फिर उधार लेने का प्रयास ना करें। दोस्तों कोई पुरानी नकारात्मक बातें आपके ऊपर हावी होने की वजह से आपके मनोबल में भी कुछ कमी ला सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें और यश में अपना आत्मविश्वास बनाकर रखने का प्रयास करें। अपने अंदर सकारात्मकता बनाए रखने के लिए आपको कुछ समय मेडिटेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आप पर बढ़ रहे मानसिक तनाव के कारण आप अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाएंगे और ना ही किसी बात पर पूरी तरह अपना ध्यान दे पाएंगे, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें और अधिकतर समय जो है अकेले में रहने का कोशिश करें। लोगों के प्रति नकारात्मक भावना यश में आपके अंदर बढ़ सकती है, तो इनसे आप बचने का प्रयास करें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों ग्रह स्थिति आपके लिए शुभ समाचार भी देने वाली है। संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने की भी संभावना है। पिछले कुछ समय से चल रहे खराब संबंधों में भी सुधार आएगा। सामाजिक या फिर धार्मिक यात्रा संबंधी कोई प्रोग्राम भी बन सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें दिखावे के चक्कर में ज़्यादा खर्च या फिर कर्ज लेने से बचें, ये आपके लिए बेहतर होंगे, क्योंकि दोस्तों बाद में आपको इसे पछताना पड़ सकता है, तो अभी ही आपको सावधान रहें। दोस्तों आपको बता दें यश में अगर किसी से कोई प्रॉमिस किया है तो दोस्तों उसे अवश्य पूरा करें, अन्यथा आपकी छवि पर आँच आ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके द्वारा लिए हुए निर्णय को लोगों द्वारा विरोध किया जा सकता है, उनके विरोध को मिटाने के लिए उनकी भी बातों को समझना आपके लिए यश में आवश्यक होगा। दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपको कभी कभी तनाव बढ़ सकता है, जिम्मेदारी का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन दोस्तों ये जो समय होंगे अंत में आपका अधिकतर काम काज जो है आसानी से पूरी भी होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो यदि भागीदारी में कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों व्यवसाय संबंधी जानकारी आपको प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि व्यवसाय में गतिविधियाँ सुचारू रूप से चलती रहेंगी, परंतु अपनी कार्य योजना में कुछ बदलाव लाने की भी आवश्यकता होगी, जिससे और अधिक बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों ध्यान रखें कि यश में कुछ कानूनी अथवा निवेश संबंधी जटिलताओं का सामना भी करना पड़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों व्यवसाय में ये जो समय है आपके लिए मार्केटिंग संबंधी कामों को निपटाने का उचित समय होगा। कुछ ठोस निर्णय भी आप लेने में यश में कामयाब रहेंगे, परंतु निवेश संबंधी कार्यों को स्थगित रखें। यश में आर्थिक स्थिति कुछ धीमी बनी रहेगी। नौकरी में ऑफिस का माहौल भी यश में सकारात्मक रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों कार्य क्षेत्र में आपका पूर्ण नियंत्रण व फिर वर्चस्व बना रहेगा, परंतु अपनी कार्य प्रणाली को किसी के समक्ष जाहिर ना करें। यश में जमीन ज्यादा संबंधी कार्यों में बेहतरीन सफलता भी आपको मिलने वाली है। आपको बता दें कि नौकरी पेशा व्यक्तियों को कार्यभार की अधिकता रहेगी और इनके वजह से घर पर भी आपको देरी से जाना पड़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में
आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों इसमें व्यवसाय तथा नौकरी दोनों जगहों पर अपनी कार्य प्रणाली में आपको कुछ परिवर्तन लाने की भी जरूरत होगी। काम की अधिकता बनी रहेगी, परंतु इन्हें आप सहयोगों के सहयोग से पूरा करने में भी समर्थ रहेंगे। आपको बता दें कि आपकी योग्यता और फिर काबिलियत की वजह से किसी दूरदराज क्षेत्र से संपर्क आपका बन सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में परिवार के साथ शॉपिंग तथा डिनर आदि में समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से और अधिक नजदीकियां बढ़ने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों दाम्पत्य तथा व्यवसाय के जीवन में बेहतरीन तालमेल बनाकर रखेंगे, परंतु घर की छोटी मोटी बातों में यश में आपको अपना अपेक्ष नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें दोस्तों प्रेम संबंधों में पारिवारिक सहमति से विवाह संबंधी योजनाएं बनना शुरू हो जाएंगी। बच्चों के अनुशासित तथा व्यवस्थित बने रहने की वजह से तनाव आपका यश में दूर होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि पति पत्नी मिलकर परिवार तथा बच्चों से संबंधित मसलों पर विचार विमर्श करें तो काफी हद तक समस्या का निवारण होगा तथा घर का माहौल भी इससे खुशनुमा बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें, तो दोस्तों पेट से संबंधित कुछ दिक्कतें रहेंगी, हल्का फुल्का सुपाच्य भोजन लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे, जल्द ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें दोस्तों यश में स्वास्थ्य आप अगर आप सावधानियों को रखेंगे तो स्वास्थ्य आपका ठीक होगा, परंतु अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर रखने का प्रयास करें। दोस्तों यश में आयुर्वेदिक चीज़ों का आप अधिक से अधिक सेवन करें, इनसे आपका जो है स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें कि ज़्यादा कार्यभार की वजह से आपके पैरों में दर्द या फिर थकान की स्थिति भी बन सकती है, तो दोस्तों यश में काम के साथ साथ आराम भी जरूर करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यश में अत्यधिक कार्यभार की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान भी आपको रह सकती है, कुछ समय अपने व्यक्तिगत कार्यों में भी व्यतीत करें, इनसे आपको सुकून मिलेगा और आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा।